हमारी प्रकृति की बात की जाए तो विभिन्न पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों की बात की जाए तो उनमें भी विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण छिपे हुए हैं जो कि कई तरह की बीमारियों को दूर करते हैं। जाने अनजाने हम उनका सेवन भी करते हैं लेकिन हमें उनके लाभ नहीं पता होते। कुछ इसी तरह का जिक्र मरुआ के पेड़ का भी मिलता है। हम देखते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो इसकी चटनी बनाकर खाते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट भी होती है, लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक पद्धति की बात की जाए तो जो ये पेड़ है इसे काफ़ी उपयोगी माना जाता है। हमारे साथ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बॉटनी डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर विजय मलिक हैं। हमसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेदिक तौर पर यह पौधा काम आता है। क्या बताना चाहेंगे, लोग इसकी चटनी भी बनाकर खाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मरवा को हम हिंदी में मरवा ही कहते हैं और बॉटनी की भाषा में इसको ओसिमम बेसिलिकम कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि ये तुलसी का बहुत नज़दीकी है, कहेंगे कह सकते हैं हम कि इसका ये बोटेनिकल कजिन ऑफ तुलसी है, यानी कि तुलसी का भाई बंद है ये, क्योंकि ये तुलसी फैमिली से है और मरवा के अनेकों यूज होते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मरवा को हम चटनी के बनाने के लिए यूज करते हैं। गाँव में जब मैं छोटा था अभी भी हम खूब इसको चटनी के लिए प्रयोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव टॉनिक होता है इसका चटनी। और क्या क्या फ़ायदे हैं इस पेड़ के? इसकी इसकी जो लीफ है, इसकी लीफ को अगर किसी आदमी के मुंह में फाउल ऑडर आती है, बदबू आती है, तो इसकी लीफ को चबा सकता है, जो मसूड़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मसूड़ों को स्ट्रेंथन करती है, उसको पावरफुल बनाती है। इसके अलावा जो इसका लीफ होता है उसके भी जूस को हम निकाल के, अगर किसी को आधे सिर में दर्द है तो हम नाक में डाल के उसको हमको जो है राहत मिलती है। इसके अलावा अगर जुकाम भी है किसी को तब भी हम इसकी लीफ का जूस जो है नाक में डाल के हम जो है मतलब यूज कर सकते हैं, हमको निश्चित रूप से राहत मिलेगी। जो इसकी चटनी लोग खाते हैं तो क्या उन लोगों को भी इससे राहत मिलती है? चटनी का तो एक डाइजेस्टिव पर्पज होता है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव मतलब टॉनिक की तरह काम करता है। पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये उसको रिमूव करता है। और इसके अलावा जब अगर इसका हम चाय को हम पीते हैं, इसकी जैसे हम तुलसी की चाय पीते हैं, इसकी भी हम चाय पी सकते हैं। वो कोल्ड हो किसी को कफ हो तो वो उसमें जो है रामबाण का काम करता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे तुलसी के पत्ते हम चाय में डालते हैं, इसके पत्ते भी डालें तो कब से राहत मिलेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से कब से राहत मिलेगी। और इसकी जो पत्ती होती है अगर हम उसको क्रश करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इससे एरोमा निकलता है। और जो चाय के साथ जब हम उसको लेंगे चाय की चुस्की का, तो हमको एक हमको जो है कूलिंग इफेक्ट उसका आएगा, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो कह सकते हैं ऐसे सभी लोगों के लिए ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है। लोकल 18 मेड से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।